विद्या की देवी माँ सरस्वती की आराधना वंदना के पर्व बसंत पंचमी 14 फरवरी को मनाई जा रही है। इस दिन से छोटे छोटे बच्चों के लिए विद्या आरंभ का संस्कार किया जाता है। अभिभावक अपने बच्चों को सरस्वती मंदिर ले जाकर श्वेत या पीले वस्त्र पहनकर माता की आराधना करते हैं। पुरोहितों के द्वारा पेन कापी स्लेट पेंसिल दावत दी जाती है। अभिभावक अपने साथ ले जाकर भी इसको दे सकते हैं। वह माता सरस्वती और भगवान गणपति का पूजन करवाने के साथ इसकी शुरुआत करते हैं। इसके साथ ही जीभ पर ओम लिखकर जिसे अक्षत संस्कार कहा जाता है, जिनके घर में छोटे बच्चे हैं वह इस सत्र से स्कूल जाना शुरू करेंगे, तो इसके पहले उन्हें विद्या आरंभ संस्कार करवाना चाहिए ताकि माँ सरस्वती की कृपा बनी रहे। जैसे श्रीमन्नारायण, जैसे कि गत प्राप्त है कि बसंत पंचमी आने वाली है, इसमें सरस्वती जी की एक विशेष उनके बारे में एक बात कही गई है, प्राणो देवी सरस्वती भाव बाजे भ्रबाजे धनी मणि यत्रुणा, अर्थात सरस्वती जी के लिए इस दिन विशेष महत्व है अध्ययन का, अध्यापन का और ज्ञान आदि ग्रहण करने का। इस दिन विद्यार्थियों को पीले वस्त्र सफेद वस्त्र धारण करने चाहिए, मंदिर आदि जाके सूर्योदय के समय उठकर आदि पुस्तक आदि को दान आदि करना चाहिए, और इसमें विशेषकर कि सरस्वती मंदिर का ही विधान है जाने का, पूजन अर्चन करने का। तो ये कितने साल बाद नक्षत्र बन रहे हैं? ये बन रहा है भैया 28 से 32 साल अपन कह सकते हैं, इसके बीच में बन रहा है।